दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर 3B सेक्शन की निवासी दीपा नरेश ईसरानी नामक महिला के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और जेवर व नकदी चोरी की। इसकी जानकारी मिलते ही दीपा ईसरानी के बेटे ने वॉचमैन से पूछा तो दोनों में झगड़ा हुआ। वॉचमैन ने दीपा के बेटे पर हमला कर जख्मी कर दिया। इस संबंध में सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। मेरा दीपा नरेश ईसरानी नाम है। हमारे घर में रात को चोरी हुआ है, हम घर में नहीं थे। मेरी बहू अपना दुकान संभाल शॉप है, हमको रात को आलू परोठा कोकी 17 पे हमारा दुकान है, सबको मालूम है हमारा नाइट में धंधा है। उसके बाद हम लोग आते हैं सवेरे, हम आए जैसा सवेरे इधर देखा कि तिजोरी में कुछ भी नहीं है, पूरा सब नीचे पड़ा है। आजू बाजू वाले के घर के बाहर कड़ी लगा के रखा था। अभी यहाँ से पूरा कैश, एक चेन, दो अंगूठी और कैश, एक लॉकेट, माता की मूर्ति, हमारे पास प्रूफ है, रसीद है, हमने लिया ही, दो दिन हुआ है लिया है। पैसा कितना? पैसा कैश अभी देखो 40-50 हजार थे, अभी किधर के वो माता की मूर्ति के खुशी में उधर रखा था दूसरे से लेके। मूर्ति मतलब ये जो सोना था? हाँ, सोने का काम है, फोटो है। कितना सोना था? 4-5 ग्राम का था इतना। और सोना जो चेन था 2 तोले का था, अंगूठी था 1-1 तोले का था, 2 अंगूठी 1 चेन, बिल है मेरे पास, सब है। अभी आप देखो, पुलिस में मैंने शिकायत किया, पुलिस ने FIR लिया है, अभी देखें पुलिस क्या करती है। वॉचमैन ने हमको मारा है, वॉचमैन से हम पूछने गए, भाई तुम इधर रहते हो बाजू में, तुम क्या कर रहे हो, जो हमको तुम एकदम बाजू में है भाई, इधर इतना चोरी हुआ है, बोलता है हमारा क्या वास्ता है तुम्हारा चोरी हुआ है, तो तुम जानो तुम्हारा घर जाने। सुबह 5 बजे पूछताछ किया, भाई कोई आया था, किसको देखा था, क्या हुआ, तो उसने उल्टा जवाब दिया, मैं तो किसका नौकर थोड़ी हूँ, थोड़ा दारू पीला था वॉचमैन, तो उसने डायरेक्ट मेरे को कड़ा मार दिया, गेट का कड़ा रहता है ना, निकाल के मार दिया मेरे को, सर पे मारने वाला था, तो मैं ऐसा किया तो इधर नाक पे लग गया। उसके घर पे 2 जन आधी रात को आधी है, वॉचमैन को पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस हमारे साथ है, मदद कर रही है, लेकिन उसके घर पे 2 जन रात आधी रात आते रहते हैं। अभी उसकी घरवाली वाइफ से हम लोगों ने पूछा भाई कौन थे, तो उसकी वाइफ बोलती है मेरे भाई लोग है। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, आज से तकरीबन 8-10 महीना पहले ऊपर 5 माले पे एक दूसरा वॉचमैन था, उसका वो भी ऐसा बोल रहा था भाई मेरे दोस्त हो गए, मेरा साला है, तो 5 माले पे 20-25 लाख का चोरी हुआ था, एक आंटी को 5 माले पे लीला विला में हम लोग ग्राउंड पे लापता, और 5 माले पे सेम यही मैटर पहले भी हो चुका है 8-10 महीना पहले। यानी हम लोगों को इसमें बी सेक्शन में रहना इतना मुश्किल हो गया है कि हम लोग रह भी नहीं पाते। ये वॉचमैन लोग वॉचमैन कहाँ पर, अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट में कुछ लिया था? नहीं नहीं कुछ नहीं लिया, वो पहले करके गए हैं, अभी वापस इसको बुलाया, चोरी हो गई, वो वॉचमैन अभी तक नहीं पकड़ा है। सेक्रेटरी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो सेक्रेटरी ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सेक्रेटरी ने बोला पुलिस चौकी में जाओ, सेक्रेटरी भी सामने नहीं आ रहे। 2-3 बार हम लोग गए, उसके बाद 2 जन और जो बड़े समझ रहे भाई हम लोग भाई बिल्डिंग के कुछ है, वो लोग भी आए, तो वो लोग भी बोल रहे थे भाई वॉचमैन का गलती नहीं है। अगर वॉचमैन का गलती नहीं है, जब मैं वॉचमैन से सवाल पूछ रहा हूँ भाई रात को, तो वो 2:30 बजे मोटर चालू करता है पानी का, यानी बिल्डिंग के बाहर जाता है, उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर मोटर बंद करने को 3:30 बजे वापस आता है, तो इस बीच में तूने किसको देखा क्या आते जाते? ये सवाल अगर मैं वॉचमैन से कर रहा हूँ
तो वॉचमैन बदले में मेरे को जवाब दे रहे तेरे बाप का नौकर हूँ क्या। उसके बाद फिर हाथाभाई मैंने भी गाली गलौज की तो हाथाभाई चालू हो गई। इस हाथाभाई बीच में मैंने भी मारा, उसने भी मेरे ऊपर हाथ मेरे भाई के ऊपर रॉड से मारा। मारते मारते बाहर तलक आए, चार पांच जनों ने छुड़ाया हमको, पुलिस चौकी में गए, कंप्लेन डाला, अभी हाल फिलहाल पुलिस चौकी में है। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं अमरनाथ की यात्रा, साथ ही साथ वैष्णो देवी यात्रा 1 जुलाई से 11 जुलाई तक केवल 14,000 रुपए में, जिसमें रहने के लिए रूम्स, अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट और पूरी यात्रा जम्मू टू जम्मू मिनी बस 27 सीटर से की जाएगी। और तो और मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा जय बालाजी पैकेज टूर्स ही करेंगे। तो हो जाइए तैयार बाबा बर्फानी और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी।